हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपका एसएससी से। तो आपका एसएससी से रिलेटेड है ये एग्जाम। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है जो आपका हुआ था 14 मार्च 2023 को। सेकंड शिफ्ट शिफ्ट नंबर 2 है। तो इसमें जो हम सोल्व कर रहे हैं वो आपके मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो मैथ के हमने कल सॉरी पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन सोल्व किए थे वो 12 क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे। तो आज की इस वीडियो में हम 13 से कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमने 13 क्वेश्चन का। बोला कि रेशियो ऑफ इनकम पी और क्यू की इनकम का रेशियो दिया गया है 1:2। क्यू आर का इनकम दिया गया है रेशियो 3:2। तो नीचे मैं इनको दोनों को लिख रहा हूं, ठीक है। तो पहले इनको इक्वल कर लेते हैं। तो इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, क्यू को बराबर बना देते हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं 6। इसका मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई आपने करना पड़ेगा 4, राइट। इधर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया जब भी, तो ऊपर 6 बना, नीचे भी 6 बना, और इधर भी आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। बोला कि इफ 1/3 ऑफ पी इज इनकम, अगर 1/3 है मतलब पी की अगर मैं इनकम मानू 3 है, क्यू की 6 है और आर की 4 है, ठीक है। तो पी की 1/3, थर्ड वन मतलब 3 का 1/3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, इज इतना लेस है किसके, पी के इनकम, हाफ ऑफ पी इज इनकम 1. क्या बोल रही है, 1/3 ऑफ पी इज इनकम इज लेस देन हाफ ऑफ पी इनकम, ठीक है। चलो पी से रिलेट किया तो मैं इसको डबल और सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सभी को। तो मेरे पास यह क्या 6 आया 12 आया और 16 आया, ठीक है। तो बोल रहा है कि 1/3 पी, पहले तो 1/3 कर दो, 1 से 6 का 1/3, 6 का 1/3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 6 का हाफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। ओके, तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 1 का, और ये 1 की वैल्यू इसने कितनी दी है क्वेश्चन में, 4400 दी है, 4400 दी है। अगर ए की वैल्यू 4400 है तो हमें किसकी बतानी थी, क्यू की बतानी। तो क्यू क्या है, 12 है, बाद में सोल्व किया तो 12, तो 12 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52, 52 800 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपकी क्यू की आएगी, कोई आर की पूछे तो आर को भी हम 4400 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो कितना आंसर आएगा, 0 0 16 चौक 64 64 64 और 70। ये आपकी किसकी आ जाएगी, क्यू आर की आ जाएगी। और पी की आपसे इनकम पूछे तो पी की आपको 6 के साथ 4400 को मल्टीप्लाई करा देना। तो कितना आएगा, 0 0 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, ये आपकी पी की इनकम आ जाएगी, ठीक है। तो कैसे भी आप सोल्व कर सकते हो। तो पर पूछा क्या, इसने क्यू का इनकम पूछा, तो क्यू का इनकम हमारे ये आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। आपको ये वैल्यू दी गई है, इसको सोल्व करना है। तो इसको मैं सिंपल तरीके से सोल्व कराता हूं आपको, ठीक है। अगर मैं एक काम करूं क्या, कि इस पूरी इक्वेशन को क्या करूं, 2/2 की पावर -1 से डिवाइड करो और इसी को मैं मल्टीप्लाई कर दो, क्या इस नंबर को 2 की पावर 2 -1 से, ठीक है। तो क्या होगा, इसको a²-b² इधर देखो a+b², नीचे तो आपका 3 आ जाएगा, जैसे आप सोल्व करोगे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये कितना आया, पहले अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट का सोल्व करूं तो a²-b² का फॉर्मूला बनेगा। तो a² कितना था, 2 की पावर 4 और -1। अब इसकी और इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करो तो यहां से कितना आएगा, 2 की पावर 8 -1। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 16 -1। अब इसकी और इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 2 की पावर 32 -1। ऐसे चलते चलते हमें क्या मिलेगा, लास्ट तक जाते जाते मिलेगा हमें 2 की पावर 128 -1 मिलेगा, ठीक है।
अब इस ब्रैकेट के और इस ब्रैकेट के आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या है 2 की पावर 128 + 1, ठीक है, ओके। तो यहां से क्या आएगा, 2 की पावर 256 - 1 मिलेगा आपको, ठीक है। लास्ट तक हमने सोल्व किया और नीचे कितना था अपना, 3 है, तो ये आपका सॉल्यूशन जाना चाहिए, ओके। वैसे भी आप नीचे जैसे आपने इसको सोल्व किया तो बाकी आपने सोल्व भी नहीं करना था कि ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में 3 है नीचे, तो यहाँ पर 2 है तो गलत हो गया, ये आपका 3 है राइट हो जाएगा, इधर कुछ नहीं है तो ये गलत हो गया, और इधर 4 है तो ये गलत हो गया। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो अपने सोल्व को अच्छे से करो। बोला कि एक एग्जाम में एक स्टूडेंट जो है 64 नंबर लेता है, 20% नंबर से फेल हो जाता है, ओके। पासिंग मार्क जो है वो 40% है, देन व्हाट मैक्सिमम नंबर हमें बताना है, तो ठीक है 64 प्लस, मतलब 20% अगर वो नंबर लेकर आया तो उसमें 64 नंबर ऐड कर दो तो पास हो जाएगा, तो पासिंग मार्क कितनी 40% है, तो 64 जो है वो कितने के बराबर है, 20% के बराबर है, क्योंकि 20 को इधर लाया तो माइनस कर दिया मैंने, तो ये आपका 20 है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 10 की वैल्यू निकाल लें, तो 10 की वैल्यू क्या, 2 से डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड करके 32 आ जाएगा, मैक्सिमम नंबर पूछा है, तो मैक्सिमम नंबर कितना होगा भाई 10 की, अगर ये इसको मैं पूरा 100 बना देता हूँ, क्योंकि 100% का चीज होता है ना, तो यहां से हमने क्या किया 10 की मल्टीप्लाई की, तो इधर भी 10 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 320 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी भी ऑप्शन में 320 नहीं है, सारे के सारे ऑप्शन गलत है, तो यहां से आपको एक ग्रेस नंबर मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सर्कम रेडियस 14 है, ओके। तो लेंथ ऑफ मीडियन, मीडियन हमें बतानी है, तो यहाँ पर सर्कम रेडियस है, इसका मतलब क्या होगा, एक सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जो ये पॉइंट है यहां सेंटर से लेके ये पॉइंट, इसको बोला गया 14 सेंटीमीटर सर्कम रेडियस, ठीक है। तो लेंथ ऑफ मीडियन हमें बतानी है ट्रायंगल की, मीडियन क्या हो, पूरी लेंथ हमें बतानी है, ठीक है। तो जैसे आप पूरी लेंथ बनाओगे तो यहां से क्या होगा, सेंट्रोइड आएगा, ये पॉइंट जैसे देखो आप इसको सभी को मिलाओगे तो ये क्या होगा, एक सेंट्रोइड का यूज करेगा, और सेंट्रोइड क्या कहता है, रेशियो में डिवाइड करता है, अगर ये 2 लेंथ है ये 1 हो जाएगी, और तीनों को ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे, अगर 2 की वैल्यू यहाँ पर 14 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और इस पूरी लेंथ को ऐड करोगे तो ये मीडियन हो जाएगी, और मीडियन से जो होता है सेंट्रोइड निकलता है, सेंट्रोइड आपका ये रेशियो देता है, ठीक है, तो पूरा ऐड कर दो, यहां से 3, 3 की वैल्यू 21 आ जाएगी, 21 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। ज्यादा हमें कुछ चेक भी नहीं करना फिर इसमें, अगर आपसे साइड पूछा होता तो साइड का हम कैसे निकाल सकते थे, 4a/√3, और यह आपका सर्कम रेडियस, आप इस फॉर्मूले से ए की वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन यहां हमसे ए नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा, मीडियन पूछी है, तो मीडियन को हम सेंट्रोइड का रूप में ले सकते हैं। क्या बोला, 1 2, ये इनका सभी का सम निकालना है, तो सम कैसे निकालेंगे हम, तो मैं एक काम करता हूं, क्या इन सभी का डिफरेंस चेक कर लेते हैं, -6, ठीक है, और इधर -6 -6 -6 करते करते लास्ट तक आप -6 तक पहुंचोगे, कितने टर्म तक, 50 टर्म तक, तो -6 + -6 + -6 + -6 + -6 + ऐसे चलते चलते एन की जो वैल्यू आ जाएगी वो 50 टर्म हो जाएगी, क्योंकि 2 नंबर का ही हमने एक साथ यूज किया है, ठीक है, 2 नंबर का क्या किया है, एक साथ यूज किया है, तो सम पूछा, देखो 6 - 6 ही तो है, कॉमन ही तो है, -6, और टोटल नंबर कितने 50 है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 300 आपका राइट आंसर हो जाएगा, माइनस में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि साइन थीटा और कोसेक थीटा इतना है, तो कोसेक थीटा को मैं क्या ले लेता हूँ, 1/sin ले लेता हूँ, क्योंकि 1/sin हो जाएगा = 6, यहाँ पर क्या दिया साइन थीटा और प्लस में 1/sin थीटा, क्या होता है, देखो अगर मैं माइनस, क्या ये माइनस साइन थीटा,
चलो मैं इसको और यूज कर रहा हूँ तो साइन को चेंज करता हूँ, तो -1/cosec थीटा यहाँ से आ जाएगा और cosec थीटा यहाँ पर है क्योंकि हमें साइन से मतलब है, ठीक है। और इधर भी cosec से ले लेता हूँ, cosec थीटा प्लस इसको मैं आगे ले आया, इसको पीछे ले जाऊंगा तो 1/cosec थीटा ये फॉर्मेशन बन गई, 1 -1/x = 6 होता है। तो x+1/x क्या होगा, अपना सिंपल सी फॉर्मेशन है ये, आपका हो जाएगा स्क्वेयर रूट के अंदर 6 का स्क्वेयर कर दो प्लस में 4 कर दो। अब ये कैसे किया तो ये देख लो आप, अगर मैं इसका कंप्लीट स्क्वेयर करता हूं तो x²+1/x² माइनस में 2 = 6 आए, सॉरी 36 आए, राइट 36 आए, ठीक है भाई। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आई x²+1/x² की वैल्यू कितनी आई, 36+2 38 निकल के आई, ओके 38 निकल के आई, राइट। अब इससे मैं वापस जा रहा हूं कि इसका स्क्वेयर रूट कर दिया x+1/x के रूप में, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें हम +2 करते हैं फिर एक और स्क्वेयर रूट लगा देते हैं, सॉरी ये तो स्क्वेयर रूट नहीं आएगा, और फिर अब स्क्वेयर रूट लगेगा तो 38 और +2 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 स्क्वेयर रूट हो जाएगा। आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, ये आपको क्या दिखाई देगा, 36+4 ही तो है स्क्वेयर रूट, कितना आ गया 40, √40 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला कि a³ 3a² 3a = that, ओके। तो हमें क्या चाहिए, मैं यहां से 1 लेके आता हूं, अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड कर देता हूँ, a³ + 3a² + 3, क्योंकि ये मुझे ये फॉर्मूला जो दिखाई दे रहा है वो आपका किसका फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, क्यूब का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, और क्यूब का फॉर्मूला हम सोल्व करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, और 64 क्या होता है, 4 का क्यूब होता है। इसको ओपन कर दो, इसको जैसे ओपन किया तो a+1 का होल क्यूब कितना आया, 64, तो a+1 कितना आया, 4 का क्यूब, ठीक है, इतना समझ आ गया। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, अगर हम सोल्व करेंगे तो पुट कर दो, 3 का स्क्वेयर + 2 × 3 9+6 कितना आया, 15 आपका राइट आंसर दे देगा, कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, बोला कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एवरेज इनकम एंड एवरेज सेविंग एंड सी एंड डी, दोनों की सी एंड डी, इसकी इनकम जो है वो आपकी ये वाली लाइन है और एक्सपेंडिचर जो है ये वाली लाइन, और सेविंग पूछा तो सेविंग हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहां से पहले इनकम ले लेते हैं, इनकम एवरेज इनकम और एवरेज सेविंग तो मतलब दो दो साल की है, तो हमें एवरेज से कोई मतलब नहीं, हम सीधा इनकम निकालेंगे और सेविंग निकालेंगे। तो इनकम जो होगी सी सी के लिए, सी के लिए तो 600 है, और डी के लिए, डी के लिए 400 है, प्लस 400 कर दो, ये इनकम है। एक्सपेंडिचर कितना, 600 में से 200 गया, एक्सपेंडिचर 200 किया तो इसका मतलब सेविंग कितनी की इसने, 400 की, तो सेविंग जो की वो 400 की सी साल में, और डी साल में क्या किया, 400 की सेविंग थी और 100 रुपये खर्च कर दिए तो 300 की सेविंग हो गई, प्लस में 300, ये रेशियो में बताना, ऊपर 1000 आ जाएगा और नीचे कितना है, 700 है, सोल्व कर दो, 10:7 क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन पूछा है एवरेज इनकम एंड एवरेज सेविंग, ओके। तो ÷2 कर देते हैं, ÷2 किया तो 500 ऊपर आया, और नीचे ÷2 किया तो कितना आया, 350, तो 500 और 350 का डिफरेंस इसने पूछा है, ये डिफरेंस पूछा है तो कितना है, 150 आया, 150 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था। क्या बोला है कि
फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग साइंस इन द गिवन ईयर टू द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ईयर 2022। क्या बोल रही इसने? फाइंड द रेशियो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग साइंस। ओके, साइंस के सारे ये हैं, तो इनका सम कर लो। 8 और 9 17, 17 और 3 20, 20 और 5 25 और 30, 30, 3 और 7 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24 और 5 29 और 6 35 का एवरेज निकाल लो। साइंस का 5 है, 5 से डिवाइड कर दो तो ये आपका 70 आ जाएगा। ठीक है, और क्या पूछा है? किससे एवरेज रेशियो निकालना है? इसका रेशियो निकालना है किससे? स्टडिंग ईयर 2022, 2022 में ये पूरी लाइन है। टोटल स्ट्रेंथ के छह और पांच 11, 11 और एक 12, 12 और 8 20। ओके, 12 और 8 20 हो जाएगा। और क्या बोला है? 20, 2 कैरी, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 222। तो 2 2 0, इसके साथ रेशियो बताना। 0 0 कट गया तो 7 रेशियो 22 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन 100 से 120 में कितने प्राइम नंबर हैं? तो आप चेक करोगे क्या 101 होता है? 101 नहीं होता, सॉरी, 101 प्राइम नंबर होता है। फिर 103 होता है, राइट, 103 होता है। इसके बाद 107 होगा, इसके बाद 109 हो जाएगा, इसके बाद 113 हो जाएगा, इसके बाद 115 नहीं होगा, 115 नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद 119 हो जाएगा। कितने हो गए? कौन सा डिलीट कर रहा भाई? 107। सौ उन्नीस नहीं होगा, क्योंकि भाई 119 जो होता है ना, वो आपका 17 से चला जाएगा। 17 7 119 होता है, तो ये आपका कितने काउंट हो गए? 1 2 3 4 5, 5 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 23, द एवरेज नंबर ऑफ 16 इज दैट एंड द फाउंड लेटर दैट फोर नंबर इज 18, 17, 24 और 35 जो है मिस्टेक कर दिए। व्हाट इज द न्यू एवरेज रिमूविंग दिस नंबर? इन दो तीनों इन सभी नंबरों को हटाने के बाद जो अपना एवरेज नंबर होगा वो कितना होगा? चलो चेक कर लेते हैं कि अगर 16 का अगर आपका टोटल ले लेते हैं, 16 का 35 है तो कितना हो जाएगा? 16 85, 16 3 48 और 56, ठीक है, 560 हो गए टोटल। और टोटल में से ये हटा दो, टोटल में से इसको हटाएंगे तो कितना हो गया? 35, 35 और 35 70, 70 और 24 84, सॉरी 94, 94 को हटाओ, माइनस कर दो, चौरान में हटा देंगे तो 6 और आपका 15 में से 9 हो गए, 6 और 4, 466 हो गया। तो इसको मैं क्या करता हूँ, 12 से देखो, हमने 4 नंबर टोटल में से हटाए और यहां से भी 4 नंबर हटेंगे तो कितना टोटल नंबर? 12। तो हमें 466 का 12 नंबर का एवरेज देना है, तो 12 से कट करो 12। एक काम देखो, 480 करता हूं तो मैं क्या जाएगा, 480 क्या है? 12 का 40 गुना है, ठीक है, तो ये 40 के लगभग जाएगा, 40 से कम जो 40 से ज्यादा नहीं होगा, कट हो जाएगा, कट हो जाएगा, और 40 से थोड़ा सा तो कम है। ठीक है, अगर हम 3 पर जाएंगे तो 360 होगा, तो बहुत ज्यादा फर्क है, तो 360 और 446 के बीच में बल्कि थोड़ा सा कम डिफरेंस है, तो ये भी आपका सोल्व नहीं होगा, ये आपका राइट आंसर आएगा। ये आप खुद सोल्व करके देखोगे कि इसका सॉल्यूशन क्या वो ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं मैं आपका। बोला है कि
If 10% annum rate of compound interest compound yearly is equivalent to the X percent per annum rate compound interest compounded half yearly, ओके एक्स की वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगी आपकी एक्स की वैल्यू। तो देखो हमने क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं करना, जितना ही इसने लैंग्वेज को घुमाया, एक नया पैटर्न का क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इसमें हम जो सोल्व करेंगे वो अपने सक्सेसिव इंटरेस्ट से सोल्व करेंगे, सक्सेसिव से। तो वो सक्सेसिव क्या है, देखो हमने 10% दिया हुआ है, तो 10% के इक्वल में जो भी दो वैल्यू देंगे हम, क्योंकि हाफ ईयरली बोला ना, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, दो सक्सेस रेट आ रहे हैं, तो हमें कुछ रेट ऐसा चाहिए जो 10% बना दे या उसके लगभग आ जाए। अप्रोक्सीमेशन बोला कि इसने अप्रोक्सीमेशन एक्स की वैल्यू कुछ अप्रोक्सीमेशन बतानी है। तो आप देखोगे ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, वन और टू तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 5 + 5 ऐड करोगे और इसका सक्सेसिव लगाओगे, प्लस कर दोगे क्या, 5 × 5 × 100, 10 तो ये हो रहा है और एक्स्ट्रा ही ऐड हो गया, तो ये फालतू तो चला गया। तो फालतू तो हमें ले जाना नहीं है, ज्यादा फालतू तो चला जाएगी, फालतू तो ले जाना नहीं है। अब दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में हम सक्सेसिव डिस्काउंट लगाएंगे, तो 4.8, इसको मैं क्या करता हूँ, दो की से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, दो से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 76 और 976 आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो 976 आपका आया है, और इसको भी मैं देखो दोनों को साथ साथ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं दो दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 110 आ जाएगा, और ये आपका 9.10 आ जाएगा। अब देखो इसका सक्सेस, अब हमें ये प्रोसेस करनी है, 4.88 × 4.88 डिवाइड बाई 100, तो 4 का स्क्वायर करोगे 16 है, इधर 4.55, मैं सिर्फ इसका यूनिट डिजिट ले रहा हूँ, सिर्फ यूनिट डिजिट, कुछ नहीं ले रहा, यूनिट डिजिट लूंगा 4.55, इसका भी क्या है 16 है, ठीक है। और ये क्या होगा, ये जो होगा ये इससे कम होगा, इससे कम होगा, ठीक है, फिर भी चाहे देख लेते हैं। अगर मैं 16 को इसमें ऐड करूं, पॉइंट पॉइंट आएगा, ये चीज ध्यान रखना क्योंकि नीचे 100 है, तो ये आपका कितना बना देगा, 9.9 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2.6, 9.26। अगर मैं इसमें 16 को ऐड करूं, 0.16 को ऐड करूं, तो ये कितना आ जाएगा, 92.9। ये देखो नजदीक जा रहा है ना, नजदीक जा रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप 48 का अगर स्क्वेयर याद है, तो 48 का स्क्वेयर होता है 2304, और 45 का स्क्वेयर होता है कितना होता भाई, 25 और 5 20, ये भी इसका होता है। तो आप देखोगे यहां पर कितने की कमी है, 0.24 की कमी है, और 0.24 की कमी ये पूरी कर रहा है ना कि ये, तो ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं इस वीडियो, आज के इस पेपर में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि JKLM एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसका K जो है वो अपोजिट होगा M के, ओके एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, ओके तो K जो होगा वो M के अपोजिट होगा, लो वे बना दिया हमने, ये क्या दिया, अच्छा आगे प्रोड्यूस करना है क्या, ओके तो इसमें हम प्रोड्यूस कर लेते हैं आगे, ये हमने प्रोड्यूस कर दिया, और यहां से एक लेंथ मिला, यहां से भी एक लेंथ मिला, जेके और एमएल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जेके और एमएल, जेके और ML प्रोड्यूस कर रहे हैं Z पॉइंट तक, ठीक है। JK जो दे रखा वो 10 है, JK की वैल्यू 10 दे रखी है, यहाँ पर पुट करो, KZ की वैल्यू 12 है, KZ की वैल्यू 12 है, MZ की वैल्यू कितनी है, 33 है, पूरी 33 है, तो ये हमें निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, तो ये प्रॉपर्टी कहते हैं, सिंपल सी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि जे जे जेड
इनटू में के जेड, मतलब पूरी लाइन और जो बाहर की लाइन है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर आएगा किसके, एम जेड इंटू एल जेड, ये आएगा ठीक है। जे जेड कितना हो जाएगा टोटल कंप्लीट, 22 हो जाएगा, क्योंकि ये 22 दे रखा, तो 22 गुना 12 आप करोगे, एम जेड आपका 33 दे रखा, और इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, इंटू में एक्स, 11 से कट करो, 11 दूनी 11 3, 3 से कट करो 4, 3 चौक 12, तो जेड एक्स की वैल्यू जो यहां से आएगी वो कितनी आएगी, 8 आएगी ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन दे रखे थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, हाई लेवल के क्वेश्चन थे आज के इस वीडियो में, तो उम्मीद करता हूँ आपको एक एक क्वेश्चन समझ आएगा, पूरे बेसिक डिटेल से हमने हर एक क्वेश्चन को कवर किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अपने नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।